कि आपको दिख भी नहीं रहा होगा डायरेक्टर कहाँ बैठा है, लेकिन वो मॉनिटर में सब कुछ देख रहा होगा। समझ रहे हैं, दिख रहा है ना आप लोग को, वो सब चेक कर रहा होगा। वो यहीं से बोलेगा अरे माइक ऊपर करो, माइक आ रहा है। आपको ध्यान क्या देना है, स्क्रिप्ट का, कौन सा डायलॉग भूल रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा तो गैप नहीं, तो थोड़ा बहुत होगा हम मैनेज कर लेंगे, एक दो लाइन इधर उधर हुई चलेगा। लेकिन एकदम से आप चार पांच लाइन भूल गए फिर स्टार्ट कर रहे हो बोलना, तो इस बात को समझना है आपको। ये क्या हमारा, ये क्या है, ये है मॉनिटर, ठीक है, जहाँ पे आपका आउटपुट बैठ के डायरेक्टर देखता होगा। वो सेट पे नहीं होगा, वो पीछे कहीं बैठा होगा छुपके, कि आपको दिख भी नहीं रहा होगा डायरेक्टर कहाँ बैठा है, लेकिन वो मॉनिटर में सब कुछ देख रहा होगा। समझ रहे हैं, दिख रहा है ना आप लोग को, वो सब चेक कर रहा होगा। वो यहीं से बोलेगा अरे माइक ऊपर करो, माइक आ रहा है, बूम माइक ऊपर करो और ऊपर, हाँ ठीक है। अब वो हल्का सा बूम माइक नीचे करेगा तो यहाँ दिख जाएगा तुरंत, वो क्या बोलेगा, कट, माइक आ गया। अगर उसको अब यहाँ प्रॉपर दिख रहा है हमें ना, फ्लोर क्लियर है, सब कुछ है, कुछ फालतू चीज़ तो नहीं आ रही है, यहाँ पे दाग लगा, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटा, इसको साइड करो, चेयर थोड़ा आगे लो आप, अभी हमें लग रहा थोड़ा सेंटर में नहीं है, यहाँ पे स्पेस कम है और यहाँ ज़्यादा है ना, तो हमें थोड़ा इधर आइए, आपके राइट आइए, हाँ राइट राइट राइट, हाँ गुड, बस बस बस, थोड़ा सा हल्का सा इधर, थोड़ा सा लेफ्ट, ठीक है, हल्का सा लेफ्ट जाइए। समझ गए आप लोग, ऐसे ही सेम जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेट पर ऐसा ही होने वाला है, और कुछ अलग से नहीं होगा आपके साथ। ऐसे बूम माइक होगा, ऐसा कैमरा होगा, ऐसी लाइटें लगी होंगी आपके सामने, ऐसे एक मॉनिटर लगा होगा जिस मॉनिटर में दिख रहा होगा कि आप क्या काम करने वाले हैं, परफॉर्म करने वाले हैं, और आप हल्का सा भी कैमरा देखोगे यहाँ हम लोग पकड़ लेंगे तुरंत आवाज़, कट, कैमरा क्यों तूने लुक दिया, चलो फिर से टेक लेंगे, फिर से रोलिंग कैमरा, फिर एक्शन, फिर आप परफॉर्म करेंगे। तो सेट पे पूरा माहौल ऐसे ही होगा, आपको लगेगा कि यार मैं तो गलती की नहीं, कैसे बोल रहा है, लेकिन यहाँ सब कुछ दिख रहा है, अभी आप लोग सब कुछ देखोगे, इसलिए ये सेटअप लगाया गया कि आपको समझ में आए कि क्या क्या गलती ये लोग कर रहे हैं। आप गलतियाँ खुद समझें उस चीज़ को, कि जैसा मेरे साथ क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है सेट पर भी सेम वैसा ही होने वाला है, तो आपको कहीं ऐसा ना लगे कि यार यहाँ तो अलग था और वहाँ अलग हो रहा है। जब आप जाएंगे सेट पे, शूटिंग पे जाएंगे, तब आप समझ पाएंगे हाँ यार हमने तो प्रैक्टिस भी ऐसे ही की थी, एक मॉनिटर लगा हुआ था, कैमरामैन था अलग से, एक अपना माइक वाला था, सब चीज़ अलग से थी। अब परफॉर्मेंस आपको करना है, आपसे कोई मतलब नहीं, जो एक्ट करने जा रहे हैं आपसे इन सेटअप से कोई मतलब नहीं है, आपको अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देना है, आपको परफॉर्म करना है। कैमरा कहाँ लगा है, क्या लगा है, हमारा काम नहीं है, सिंगल कैमरा है तो मैं लुक का ध्यान दूंगा थोड़ा बहुत, बाकी ख़त्म, ठीक है। डायलॉग कहाँ पे है, आप आइए इधर आइए, ठीक है। आपको ध्यान क्या देना है, स्क्रिप्ट का, कौन सा डायलॉग भूल रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा तो गैप नहीं, तो थोड़ा बहुत होगा हम मैनेज कर लेंगे, एक दो लाइन इधर उधर हुई चलेगा। लेकिन एकदम से आप चार पांच लाइन भूल गए फिर स्टार्ट कर रहे हो बोलना, तो तुरंत यहाँ से एडी बोलेगा कट, ठीक है, तुरंत आपको कट बोलना होगा। एक दो लाइन हो गया, एक दो वर्ड छूट गया, थोड़ा मीनिंग अलग हो गया चलेगा, बट जो कहना था वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दो लाइन एकदम से खा गए आप, आपकी लाइन थी उन्होंने बोल दी, आपकी एक पूरा लाइन ही गायब हो गई, तो नहीं चलेगा, ठीक है। अब सब दिख रहा है, सब लोग ऐसे पूरा ध्यान देंगे, ये कौन है, एडी असिस्टेंट डायरेक्टर, वो कौन है, असिस्टेंट डायरेक्टर वो भी हैं, ठीक है। इधर हम डायरेक्टर हो गए, उधर कैमरामैन हो गए ना, ये इधर माइक वाले हो गए, ये कौन है, स्पॉट बॉय। आप लोग शूटिंग में क्राउड हो, आप पीछे खड़े हो देख रहे हो, कोई पानी मांगे आप जाके पानी पिलाओगे ना, कोई मेकअप मैन होगा इसके अंदर, कोई सेटिंग वाला होगा, एक दो आर्टिस्ट भी बैठे होंगे जिनका नंबर आने वाला होगा, यही भीड़ होने वाली है, कोई कॉस्ट्यूम वाला बैठा होगा यहाँ पे, तो वही सब आपको बैठ के देखेंगे पूरी टीम। कोई कैमरामैन का असिस्टेंट भी होगा, कोई लाइट मैन का होगा, कोई इलेक्ट्रीशियन होगा, तो वो सब बैठ के पीछे सबको देखते रहेंगे, उनका भी काम है। मेकअप वाला अपना क्या ध्यान देगा, मेकअप तो खराब नहीं हुआ, वो आपको सिर्फ मेकअप पे ध्यान होगा उसका, उससे कोई मतलब नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो, क्या एक्टिंग, कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ मेकअप से ध्यान है, कहीं मेकअप खराब नहीं हो रहा है, अरे यार थोड़ा सा हो रहा है, तो जैसे कट होगा ना वो तुरंत आकर मेकअप ठीक करेगी आपका और फिर से स्टार्ट होगा। मान लो आप भूल ही गए और मेकअप वाले को लग रहा है कि मेकअप खराब हो गया, पसीना आ गया है, वो पूछ के नहीं आएगी, वो तुरंत जाएगी तुरंत ठीक करना स्टार्ट कर देगी आपको, तुरंत साइड हो जाएगी, तो मेकअप वाले काम है। कॉस्ट्यूम वाले काम क्या रहेगा, जो कपड़ा उसको लगे कपड़ा यार ठीक है बट थोड़ा ढीला है इसका, अच्छा ही लग रहा, वो आके चिमटी लगाएगी ठीक करेगी, वो करेगी। अब एक होगी हेयर स्टाइलिश, जिसने आपके हेयर बनाए होंगे, उसे लग रहा है यार हेयर मैंने बनाया थोड़ा ख़राब हो गया यहाँ से, वो थोड़ा आपका हेयर आके ठीक करना स्टार्ट करेगी,
ठीक है, थोड़ा ऐसे करेगी, जो भी करना होगा आपको थोड़ा दिखाएगी भी अब ठीक लग रहा है, आप बोलोगे हाँ ठीक लग रहा है, तो फिर आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, समझ गए? तो ये तीन चार लोग जो है आपके पास हमेशा आपके ऊपर ध्यान देंगे। आप कोई मेकअप ध्यान दे रहा है, कोई हेयर ध्यान दे रहा है, कोई आपका कॉस्ट्यूम पे ध्यान दे रहा है, डायरेक्टर आपकी एक्टिंग पे ध्यान दे रहा है, माइक वाला आपकी आवाज़ पे ध्यान दे रहा है, लाइट वाला लाइट पे ध्यान दे रहा है कि दोनों के ऊपर लाइट प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है, कैमरामैन अपने कैमरे पे ध्यान दे रहा है कि एंगल सही लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, तो ये सारे काम होंगे, और सेटिंग सेटिंग वाले बैठे होंगे, स्पॉट वाले बैठे होंगे, स्पॉट वाले तुरंत पानी लेके आएंगे आपके लिए, सर पानी दो, भले आप लो या ना लो, पूछेगा वो आपसे, नहीं लोगे चले जाएंगे वो। इतना सारा आपके ऊपर पूरा प्रेशर होगा,